आज जब मैं सुबह से इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहा था तो एक याद एक सोच आ रही थी कि जिस तरह से जनता गरीब जनता सामान्य जनता को अपने पास करते थे, अपने गले से लगा रहे थे और उनके दुख दर्द का थोड़ा बोझा चंद लम्हों के लिए तो भी हल्का कर रहे थे। और ये याद आया कि दूसरी तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री जी है जो जब जहां जाते हैं वहां अगर उनके रास्ते में गरीबों की बस्ती आ जाए तो पर्दे लगवा देते हैं कि ताकि उनको देखना ना पड़े। ये जो फर्क है वो जनता के नेता और एक राजनीतिक नेता के बीच में होता है। ये हमने याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश की इस भूमि की परंपरा है कि जो जनता का हमदर्द बन के निकला है वही इस देश का सही में नेता बना है। बापू भी गरीबों की झोपड़ी तक जाते थे और उन्हीं में शामिल होने के लिए अपने आप को मोड़ते थे वैसे। और आज कई सालों के बाद वो देखने को मिल रहा है वापस। मैं ये मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे चंद लम्हों के लिए एक दिन के लिए इस ये जो अनुभव है वो प्राप्त करने का मौका मिला क्योंकि ऐसे अनुभवों के बारे में इतिहास में पढ़ा करता था पर ये मेरी जिंदगी में कभी मुमकिन होगा ये सोचा नहीं था। इसके पहले 2005 में दांडी कूच में राहुल जी के साथ चला था मैं, आज वापस चला हूं। यही याद आती है कि 1930 में दांडी कूच में बापू मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू साथ में चले थे। उसके बाद 1947 में दंगों के बीच जब बापू नोआखली और टिपेरा में चल रहे थे तो पंडित जी वहां जाते थे उनके साथ विचार विमर्श करने और साथ हो जाते थे। उसके बाद 2005 में जैसे मैंने कहा राहुल जी और सोनिया मैडम दोनों उस दांडी कूच की 75वीं सालगिरह पे साथ में आए थे तो वो परंपरा को आज आगे चलाते हुए मैं मेरा ये कर्तव्य समझता हूँ और सद्भाग्य समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो टूटा नहीं है उसको जोड़ने के लिए क्यों आए उनको ये जवाब देना जरूरी है कि जब कुछ टूट जाए उस तक इंतजार करने वाले जो होते हैं उनकी दिल में ये इच्छा होती है कि वो टूट जाए और इसलिए इंतजार करते बैठे रहते हैं। देश प्रेमी वो होता है जो उसको अंदाजा भी आए अगर शक भी हो कि ये देश को तोड़ने की प्रकृति चल रही है तो घरों से निकल के उस देश को तोड़ने वालों से उस देश का रक्षण करते हैं। और ये जरूरी है देश टूटने के बाद टुकड़ों को जमा करने के लिए जाने वाले देश प्रेमी नहीं होते। इसीलिए इस भारत जोड़ो यात्रा का महत्व है वो टूटे नहीं इसलिए एक जन सैलाब पैदा करता है।